बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम करेंगे पेज नंबर 49 पे मिसाक़े मदीना के चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। 49 पेज पे ये हमारे क्वेश्चन आंसर मौजूद हैं। 4 क्वेश्चन हैं हमारे इस चैप्टर के। सबसे पहला क्वेश्चन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त मदीना में कौन से कबाइल आबाद थे। हमने रीडिंग में पढ़ा था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तशरीफ़ आवरी फरमाई तो उस वक़्त यहूद के 3 कबीले आबाद थे। यहूद के 3 कबीले थे, बनू कैनका, नज़ीर और कुरैज़ा, और इंसार के 2 कबीले ओस और खजरज थे। ये आप लोग खुद से राइट करेंगे, जैसे ये मैंने राइट किया है इस क्वेश्चन को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के वक्त यहूद के 3 कबीले बनू कैनका, बनू नज़ीर और बनू कुरैज़ा मदीना के अतराफ यानी इर्द गिर्द में आबाद थे। इंसार के 2 कबीले ओस और खजरज भी मदीना में रहते थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ये जो आप लोगों ने राइट करना है। यहूद के 3 कबीले और इंसार के 2 कबीले, उनके नेम के साथ आप मेंशन करेंगे। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुख्तलिफ ग्रोहों में मुआयदा क्यों करवाया। इस क्वेश्चन का आंसर है आप लोगों का पेज नंबर 48 पे इसका आंसर है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। इंसार के 2 कबीलों यानी ओस और खजरज में जो आखिरी मारका हुआ था उस ने इंसार का ज़ोर बिल्कुल तोड़ दिया था। यहूद इस मकसद को हमेशा पेश नज़र रखते थे, यानी हमेशा इस मकसद को अपने सामने रखते थे कि इंसार बाहिम कभी मुतहद ना होने पाए, यानी जो ओस और खजरज इंसार के 2 कबीले हैं ये कभी आपस में इकट्ठे ना होने पाएँ। इन असबाब यानी इन वजूहात की बना पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो पहला काम ये था कि मुसलमानों और यहूदियों के ताल्लुकात मजबूत हो जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसार और यहूद को बुलाकर, ये जो लिखा हुआ है हस्ब-ए-ज़ैल को आप कट कर देंगे, हस्ब-ए-ज़ैल की जगह आप लिखेंगे चंद, यहूद को बुलाकर चंद शरायत पर एक मुआहदा लिखवाया जिसको मिसाक़े मदीना कहा जाता है, जिसको फरीकैन ने मंजूर किया, यानी अंसार और यहूद जो 2 ग्रोह थे, जो फरीक थे, इन्होंने इस मुआहदे को मंजूर कर लिया। यह है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद है हमारा थर्ड क्वेश्चन, मिसाक़े मदीना की कोई सी 4 शरायत बयान करें। हमने रीडिंग में पढ़ा था कि ये हमारे पास हैं मिसाक़े मदीना की शरायत, और यहाँ पे रीडिंग में जो आप लोगों को 8 शरायत दी हुई हैं, ये आप देख रहे हैं 8 शरायत मौजूद हैं, आपने इनमें से कोई सी भी 4 शरायत लिख देनी है। मैंने जो राइट की हैं अपनी नोटबुक पे, ये देखें, मैंने जो है इनमें से कोई सी 4 शरायत जो हैं वो नोट की हैं, या आप वही सुन लें। अगर आप यही राइट करना चाहते हैं तो ये भी ठीक है, अगर इसके अलावा कोई और 4 शरायत आप इसमें लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। पहली शर्त जो मैंने राइट की है वो है, यहूद और मुसलमान बाहिम दोस्ताना बर्ताव रखेंगे। फिर सेकंड पे, कोई फरीक कुरैश को अमान ना देगा। थर्ड पे, मदीना पर कोई हमला होगा तो दोनों फरीक एक दूसरे का साथ देंगे। नंबर 4 पे जो मैंने राइट की है वो है, हर तरह के झगड़ों का फ़ैसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाएंगे। 8 शरायत हैं जिनमें से कोई सी भी 4 शरायत जो हैं वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, मिसाक़े मदीना के असरात बयान करें, यानी कि जो मिसाक़े मदीना मुआहदा तय हुआ था इंसार के दरमियान और यहूदियों के दरमियान, उसका आखिर क्या रिज़ल्ट निकला। ये असरात में से हमने यहाँ से इसको राइट करना है। अहले इस्लाम के हक़ में ये मुआहदा बहुत मुफीद रहा। इस मुआहदे के तय हो जाने से मदीना और इसके अतराफ यानी इसके गिर्दोनवा एक वफाकी हुकूमत बन गए, जिसका दारुल हुकूमत मदीना था, जिसके सरबरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और जिसमें गालिब हुक्मरानी मुसलमानों की थी, यानी कि इस मुआहदे से जो मुसलमानों को नुमाया हुक्मरानी हासिल हुई। इस तरह हिकमत के साथ और पुरअमन तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की ज़मीन और इसके बंदों पर हुक्म इलाही यानी अल्लाह ताला के हुक्म
को जारी करने का रास्ता हमवार कर दिया, यानी आसान कर दिया, सीधा कर दिया। ये 4 क्वेश्चन है 5 क्लास। इस 4 क्वेश्चन के आंसर्स आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे राइट भी करने हैं और उनकी लर्निंग भी करनी है। अल्लाह।